अभी सुबह सुबह अभी जोंडरा कोड़ने के लिए आए हम लोग, मैं और मेरा बेटा कन्हैया लाल। उधर जाए नूनू जोंडरो काटियो ना गढ़ा का दी चौदह वाला जोंडरो काटियो ना हो तो ना बेसे कुल बेसे कुल गढ़ावा करीब करी काट नहीं करे अरे उधर जोंडरो तो काट देनी। मकई कभी बच्चा में कोड़ना पड़ता है, इसलिए कोड़ना पड़ता है ताकि इसका जड़ थोड़ा हल्का रहे और फिर आगे पौधा बड़ा बन सके। तो कोड़ते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है, घास को भी निकालना पड़ता है। घास को निकालने के बाद इसको एक बार कोड़ने के बाद करीब पौधा एक फीट को होने के बाद फिर दूसरा बार कोड़ना पड़ता है। तीन बार मकई को कोड़ने के बाद मकई बड़ा बड़ा हो जाता है और उसमें फूल के बाद फल आता है। मेरा बेटा उधर धीरे धीरे कोड़ रहा है, पता नहीं कितना पौधा काट दिया होगा आज। नूनू काटे नहीं करी बेटा है, बेस के कुड़ जल्दी जल्दी कुड़ हटा। इधर कुड़ाई हो चुका है मकई का, इधर मकई कोड़ दिए हैं, इधर आगे कोड़ रहे हैं धीरे धीरे। मकई कोड़ते समय बहुत घास उसका ध्यान रखना पड़ता है एकदम बारीक से। अभी बच्चा मेरा कोड़ रहा है धीरे धीरे मकई को। अरे नूनू काटियो ना बेटा, पातर जन्मा लो। कौन सी फेंकने थी कही के कोड़ धीरे धीरे कोड़। कितना मेहनत कर रहा है, अभी 3 साल का बच्चा है, किसान का बेटा किसान बनता है। कोड़ी ना बेटा, काटियो ना। रे नूनू नहीं दे ना, पर बैठे हम तो कोड़ते बैठे दे कन्हैयो तो ना पार भी रहे।